की जय। बोलो श्या बलराम चंद्र की जय। तो हम लोग अयोध्या के लिए निकल चुके हैं और चलिए वहाँ पे जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। के लिए सब मोबाइल वगैरह जब्त कर लिया जाए, जहाँ तक दिखेगा वहाँ तक दिखाएंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं अयोध्या के लिए। एकदम अचानक से प्रोग्राम बना है और जो है मतलब प्लान नहीं था, अचानक से इन्होंने छुट्टी लगाया और सबका मन था, मम्मी का मन था, हम लोग का मन था अयोध्या जाने का। तो हम सभी लोग जो है निकल चुके हैं अयोध्या के लिए और वहाँ जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए रास्ता शुरू हो चुका है, हम सब लोग तैयार होकर के निकल चुके हैं। देखिए हम तीन लोग पीछे बैठे हुए, तन्वी इधर देखो, क्यूट लग रही है, बहुत क्यूट लग रही हो। तन्मय और ड्राइविंग सीट पे तो आप सबको पता ही है कौन रहता है, ड्राइवर है। कुछ दिन बाद मेरे प्यारे हस्बैंड हैं जो हमेशा प्यारे करते हैं। मेरे महंगे वाले ड्राइवर कौन वाले महंगे? हाँ, मेरे महंगे वाले ड्राइवर जो बिना पैसे के लेके चलते हैं हम लोगों को जहाँ जाना होता है। तो चलिए आप सब भी एंजॉय करिएगा हम लोगों के साथ, बहुत मजा आने वाला है। क्या हो रहा है बच्चों? फोटो सेशन तो होता रहता है, देखिए फोटो खींचते रहते हैं जब तक हमको प्रमोट। आ गया है वो वैन वाला सामने, ये नहीं कि इधर अब रुकने वाला दिमाग मिले कि चल रहे हम लोग तो आराम से चला जाए ना, मैं खाते पीते टहलते आराम से मस्ती करते हैं। होटल विश्वास नहीं करेंगे आप लोग कि सिर्फ 2 से 3 घंटे में ही हम लोग तैयार होकर के चल दिए हैं। मतलब तुरंत प्रोग्राम बना और तुरंत हम लोग तैयार होने लगे, सब लोग नहा धोकर के तैयार होकर के थोड़ा सा नाश्ता बना और करके निकल गए, क्योंकि बच्चे रेनी डे हो जाने की वजह से नहीं गए स्कूल। और हम लोग सोचे कि मौसम भी अच्छा है, चलेंगे तो खूब बारिश होगी, वैसे बारिश तो कहीं नहीं मिली। और इनका मन है कि अयोध्या में निर्माण होने से पहले हम लोग एक बार घूम लें, तो बहुत दिन से कह रहे थे। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं तैयार होकर के, बहुत अफरा तफरी में निकले थे। यहाँ एक्सप्रेस वे पर रुक करके हम सभी की आ गया अच्छा। तनी मेरा भी लो, मैं भी फोटो खिंचवा लेती हूँ फिर। तो यहाँ पे रुके हैं हम लोग कुछ नाश्ता पानी के लिए, टाइम ज़्यादा हो गया था तो बच्चों को भूख लग गई थी, अब यहाँ पे रुके हैं हम लोग। ये लोग मैगी खाएंगे, हम लोग चाय पियेंगे थोड़ा सा। देखिए कर रहा हूँ यार, देखो कर रही हूँ, देखो कितनी कर दी मैगी के इंतजार में। जब घूमने के ही मन से निकले थे तो एक्सप्रेस वे पे रुक करके हमने ढेर सारा फ़ोटो खिंचवाया, इसके बाद ढेर सारी वीडियोस बनाई जिसका रील आएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो उसका अकाउंट का मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां भी देख सकते हैं, ढेर सारे रील मैंने बनवाए, स्लोमो वीडियोस भी बनवाया था। और यहां रुक करके फिर बच्चों ने कुछ खाया क्योंकि उनको भूख लग चुकी थी, तो थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने कुछ ना कुछ खाया, हम लोगों ने भी चाय पिया, थोड़ा बहुत मैगी हम लोगों ने भी खाया बच्चों के ही प्लेट से 2-4 चम्मच, और इसके बाद निकल गए। मौसम सुबह इतना बढ़िया था जब हम लोग निकले थे ना कि हमें लगा कि रास्ते में बारिश होगी तो बड़ा मज़ा आएगा, बट बारिश तो कहीं नहीं मिली। और देखिए हम लोग अब अयोध्या पहुँच गए हैं और ये जगह जगह पर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, हनुमान जी की स्टैचूज लगे हुए हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है रुकने के लिए पहले आए कि कहीं रुक लिया जाए, कोई जो है लॉज मिल जाए या कोई होटल मिल जाए। तो यहाँ लॉज टाइप का ही था, 2-3 था जहाँ पे हमने सर्च किया, तो कहीं खाली मिल रहा था कहीं खाली नहीं मिला, 2-3 जगह तो हमने पता किया। वो राम जी का जो स्टैचू बना है दिख रहा है वहाँ पे, देखिए दिख रहा है। नहीं, अपनी गाड़ी रखूंगी, पहली गाड़ी पार कुछ किया है, हम लोग यहाँ रुके हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो ले लिया है और अब हम लोग सब लोग ऑटो से निकलेंगे। हम लोग ऑटो से निकलेंगे सभी लोग यहाँ से अयोध्या धाम के लिए। मम्मी एकदम थक चुकी हैं बैठे बैठे गाड़ी में, क्योंकि रास्ता भी हम लोग को थोड़ा सा दिखा। आपको पर्स निकाल लिए हैं, ले चलना था ना दादी, मोबाइल आपका दादी का मोबाइल इसी के साथ लग गया।
ऐसे लंबा लंबा करना की तरह। अयोध्या में प्रवेश करके ओवर ब्रिज के नीचे से हम लोगों ने लॉज लिया और वहां से 3 किलोमीटर हम लोग जा रहे हैं राम जन्मभूमि, वहां पे दर्शन मिलेगा हमें और ऑटो भी वहां अंदर तक नहीं जाएगा, तो यहां से अब हमें उतर करके पैदल जाना है। और इस तरह से दोनों तरफ आप देख सकते हैं मार्केट जैसा है, लेकिन बारिश होने से ना रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, कुछ तो कंस्ट्रक्शन की वजह से भी रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। इस तरह से हर जगह पानी पानी लगा हुआ था और कीचड़ जैसा हुआ था रास्ता, इसी में हमें बहुत लंबा चलना पड़ा और काफ़ी अंदर जाना है। इसके बाद हमें राम जी का दर्शन मिलेगा और लेट भी हो रहा था, हमें 6 बज गया था इस टाइम तक, और पता चला कि 8 बजे तक जो मंदिर है राम मंदिर वो बंद हो जाता है, तो उससे पहले ही हमें दर्शन कर लेना है। तो ये देखिए हनुमान गढ़ी है और हम लोग अभी यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि ये तो आज देर तक खुला रहेगा लेकिन राम मंदिर जल्दी बंद होगा, तो अभी हम लोग सबसे पहले राम मंदिर जाएंगे। वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जहाँ तक मैं ले जा रही हूँ बस वहीं तक होगी। इसके बाद लॉकर मिलेगा हमें जो मेन द्वार है राम मंदिर का, वहां से तो वहां लॉकर में हम लोग सब कुछ जमा कर देंगे, मोबाइल पर्स वगैरह सब कुछ। बाकी रास्ते में जो जो मिलता जा रहा है उन सब जगहों पे हम लोग वापस आते हुए और घूमेंगे। अभी हम लोगों का टारगेट है कि राम मंदिर जाएंगे और चलिए देखिए कितने चलते जाना है, चलते जाना है। और अभी राम जन्मभूमि यहाँ से 500 मीटर दूर है, देखिए हम लोग इतने नज़दीक आ चुके हैं चलते चलते, तो काफ़ी लंबा चलना था। अगर कोई बुजुर्ग है या बीमार है तो इस टाइम में ना जाए क्योंकि इस टाइम में जाने पे ना उनको बहुत पैदल चलना पड़ेगा और थक जाएंगे। तो हम लोग मम्मी तो बिल्कुल थक गई थी, कई जगह तो वो सिर्फ राम मंदिर ही जा करके दर्शन कर पाई, उसके बाद हर जगह वो बाहर बैठ जाती थी। यहाँ हर जगह कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण हो रहा है, तो निर्माणाधीन अयोध्या कुछ इस तरह का है। तो हम लोग राम मंदिर जा रहे हैं, राम जन्मभूमि मंदिर जो है। तो बस अब जो है 100 मीटर की दूरी पे गेट है जहाँ से हमें प्रवेश करना है और यहाँ पे हम लोग लॉकर ले रहे हैं। लॉकर में हम लोग सारा सामान रख देंगे, कुछ भी नहीं ले जाएंगे, सिर्फ पैसे ले जा सकते हैं। हालांकि अंदर प्रसाद वगैरह तो मिल जाएगा लेकिन और कुछ नहीं मिलेगा, बाकी पूरा मार्केट तो रास्ते में ही मिला था हमें। पर्स भी नहीं ले जाना, यहाँ पे हमारी मोबाइल भी जमा हो जाएगी और अब आगे मैं कुछ नहीं दिखा पाऊंगी। तो अब हम लोग दर्शन करके आ गए हैं प्रसाद वगैरह लेकर के, और अब हम लोग ढेर सारी शॉपिंग करेंगे और जो भी जगहें छूटी हुई हैं वहाँ हम लोग घूमेंगे। ये सब तभी ना हम पकड़ नहीं पाए हैं कि 6 महीने हो गए इनको आए, तब से बहुत प्रोग्रेस हुआ। 6 महीने हुआ है, उस समय ये पूरा ऐसे सामने की तरफ था एकदम, सब छोड़ दिया। यहाँ से कुछ लेना हो तो देख लीजिए, 40 मिनट देख लीजिए। पचास नहीं भाई, नहीं उतना महंगा नहीं। 50 रुपये ये वाला बताओ, 200 का ही है ये, 400 का है। चाट खाएंगे सारे लोग क्योंकि भूख लगा भाई मुझे तो। कुछ स्टूल नहीं रखे हैं मम्मी, बैठ जाती थोड़ा। स्टूल आओ ले ले वो मत, तन्नी सर देगा भैया, तन्नी सर ना ले, पूरा ले, पूरा दे। तो पापड़ी चाट मिलेगा, भूल करके भी आप लोग बताइए। अब भूख लगा था तो हम लोगों ने खा लिया, बट ये चाट अच्छा नहीं था उतना, बस पेट भरने के लिए थोड़ा थोड़ा सबने खा लिया था। एक पैक फ्री है, यहाँ तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ना। हाँ भाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं दशरथ जी के भवन में और ये बहुत ही भव्य और बड़ा था, बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन हाँ दर्शन नहीं मिलेगा हमें क्योंकि कपाट बंद हो चुके थे। मंदिर पूरा खुला हुआ था कैंपस अंदर से, तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, मैं पूरा आपको दिखाती हूँ। चलिए, मंदिर बंद था मतलब दर्शन नहीं मिलेगा, इस वजह से मम्मी बाहर ही बैठ गई, बोली कि मैं चल नहीं पाऊंगी, तुम लोग अंदर जाओ और घूम लो, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो चलिए अंदर, बहुत ही खूबसूरत है, भव्य है।
तो ये दशरथ जी का मेन भवन है और अंदर से बहुत ही खूबसूरत है देखिए। और ये जो तीन पर्दे लगे हुए हैं ना, तो ये ही बंद हो चुके हैं, आरती वगैरह हो गई थी, हम लोग को लेट हो गया ज़्यादा आने में, तो दर्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन ये सब चीज़ें खुली हुई थी तो हम लोगों ने घूम लिया। और कुछ इस तरह का मंदिर है, बहुत ही भव्य सा मंदिर था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो रात में हनुमानगढ़ी कुछ इस तरह दिखता है और हम लोग जा रहे हैं अब हनुमानगढ़ी दर्शन करने। और ये है मार्केट जहाँ से हम लोग चल रहे हैं। तो भीड़ तो बहुत है, लेकिन रुकिए मैं आप सबको दर्शन कराती हूँ महावीर जी के। और बोलिए जय बजरंग बली। तो देखिए थोड़ा सा झलक तो मिल ही जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, ये हैं बजरंग बली। तो अब बज गया है रात का 9 और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अब हम लोग लॉज जाएंगे, वहाँ रुकेंगे और इसके बाद वहाँ थोड़ा सा रेस्ट करके फिर खाना पीना खाएंगे। अरे बाप रे बाप, अब कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है इसके बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग चलते चलते। और चलने में मज़ा तो बहुत आया वैसे, यहाँ आ करके एकदम मन रोमांचित हो गया, मतलब समझिए कि एकदम रोम रोम जो रोमांचित कहते हैं ना, वैसे हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन थक भी गए थे हम लोग और अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं लॉज। तो अभी बच्चे लोग आ रहे हैं, बच्चों को से आ रहे हैं लोग और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। यहीं पास में रेस्टोरेंट है वहाँ पे और यहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं, देखे हैं आप लोग। तो यहाँ से खाना वाना खा के फिर आएंगे तो हम लोग रेस्ट करेंगे, क्योंकि सब लोग थक गए हैं। मेरा मोबाइल होने वाला है डिस्चार्ज और खाना आने से पहले ही लग रहा है कि स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जगह ये देखो सब मीटिंग। राम जी का मंदिर जो बन रहा है उसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको बताती हूँ कि लगभग हाफ तो हो गया है, लेकिन कितना समय लगेगा ये मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मुझे देख के लगा कि 2 से 2.5 साल अभी लग जाएंगे पूरा ही मतलब बनने में। चलते सोया जाए, 6 बजे सुबह उठ के हम निकलेंगे। इतना सुबह क्यों? क्या 6 बजे सुबह क्यों? जो कंप्लीट कहते हैं वैसा बनने में। तो दर्शन हुआ बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग का खाना आ गया है, यही दाल चावल रोटी सब्जी हमने मंगाया है, खाना बहुत टेस्टी था यहाँ का। और हम लोग जहाँ रुके हैं वहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पे था, पास ही था, मतलब 10 कदम की दूरी पे था। खाना अच्छा बना था, तो खाना अच्छा मिल गया तो सब कुछ अच्छा है। तो फाइनली अब यहाँ से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, शाम को आने के बाद खाना पीना हुआ, उसके बाद थक गए थे सब लोग, तो कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया, इसके बाद सो गए हम लोग। और अभी सुबह उठे हैं तो सब लोग फ्रेश होकर के
और हम लोग तो नहा भी लिए हैं, हम और मम्मी। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थोड़ा बहुत मैं रास्ते का आप लोगों को दिखा दूंगी, लेकिन अब ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो होप करती हूँ ये व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर एक नए व्लॉग में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। बहुत सारी जगहों पे हम लोग नहीं जा पाए, जैसे सरजू नदी है या सीता रसोई, ये सब हम लोग नहीं घूम पाए क्योंकि लेट हो गया था और नेक्स्ट डे फिर एग्ज़ाम था मंडे को जो हमारी भांजी हैं उनका, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे क्योंकि 4 बज जाएगा यहाँ से निकलने के बाद पहुँचने में भी। तो बस अब निकल गए और बहुत मन खुश हुआ घूम करके अयोध्या। तो जा सकते हैं एक बार, लेकिन थोड़ा पैदल चलने की दिक्कत है, जो लोग पैदल चल सकते हैं वो लोग जा सकते हैं। रास्ते में चलने की शूटिंग हो रही है, तो फिर नए व्लॉग में मिलते हैं, थैंक यू।